खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। WF न्यूज आपको खबर दे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GST और PST के हवाले से। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर सबसे पहले तो जो है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है GST और PST। मतलब आज समझ लें कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और काफ़ी जो है, मतलब बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो माशाल्लाह से जो है, मैंने देखा कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं इसमें और कह रहे हैं कि GST PST पर जो है 40% की जो है पॉलिसी मतलब होनी चाहिए। तो मतलब काफ़ी जो है अच्छा वो लोग सोच रहे हैं और काफ़ी उम्मीदवार जो है, मतलब अपने लिए ज्यादा नहीं बोल रहे जितना जो है मतलब गर्ल्स की मतलब उसके अंदर बोल रहे हैं। मतलब बहुत जबरदस्त यार, ये देखकर मतलब बड़ी खुशी हुई कि काफी हमारे पास मतलब ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, काफी हमारे ऐसे भाई हैं, काफी ऐसे हमारे पास उम्मीदवार हैं जो मतलब जो है अपनी बहनों के लिए जो है मतलब बहुत सारे मतलब इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं कि जो है गर्ल्स को 40% पर पास किया जाए। मतलब बहुत जबरदस्त यार। और माशाल्लाह से जो है हमारे सब्सक्राइबर्स में वो वुमेंस भी शामिल हैं, मतलब वो फीमेल्स भी शामिल हैं जो माशाल्लाह से मैरिड हैं और वो हमें कमेंट्स कर बता रही हैं कि सर हमारे जो है मतलब कि किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, लेकिन वो जॉब की वजह से जो है परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है। मतलब जो है सरदार अली शाह साहब से जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हैं और बहुत सारे भाई जो हमारे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली जो है दोबारा से वही 40% पॉलिसी होनी चाहिए। और कुछ भाई के जो है हमारे पास मतलब वीडियो, लास्ट वाली जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उस पर कमेंट्स आए कि जो है ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है और अब जो फैसला हो गया वो हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो है अभी बिल्कुल क्लियर फैसला ये नहीं हुआ है, क्लियर फैसला नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी ये तजवीज़ दी गई है। तो इस तजवीज़ से पहले जो है हम इंशाल्लाह अपनी पूरी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह और हम जो है अपना हक लेकर रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है भाई बहन मतलब और जो है उम्मीदवार हमारे साथ हैं और हमेशा जो है हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह और आप मिलकर जो है हमारे साथ आवाज़ उठा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है समझ लें कि बड़ी बात है। और काफ़ी भाई ने जो है हमारे लिए मतलब अच्छे कमेंट्स भी करे और उन्होंने मतलब हमारी टीम को जो है द WF न्यूज़ को जो है उन्होंने मतलब काफ़ी तारीफ की, सर आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं और जो है मतलब बहुत अच्छी चीज़ें जो है आप यहां पर बता रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने यहां पर हमें कमेंट्स के अंदर कही। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है हमारी टीम और हमारा भी जो है मतलब एक जज्बा बढ़ा कि यार नहीं, हमें जो है इन फीमेल्स के लिए, इन मेल्स के लिए जो है कुछ ना कुछ करना है। मतलब कि हमें जो है इनको इनका हक दिलवा कर रहना है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि मैं आप लोगों को आपका हक दिलवा कर रहूँगा इंशाल्लाह। और अगर हम इसी तरह मिलजुल कर एक साथ जो है वीडियो को मतलब वीडियो पर जो है यहाँ पर जो है हम एहतजाज करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हम चाहते हैं इंशाल्लाह वैसा सब कुछ होगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो है अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि जो है और लोग मतलब इस वीडियो में जो है लोग कमेंट्स करें, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट होगा, आगे जो है गवर्नमेंट को दिखेगा कि जो है मतलब कितने सारे लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, कितने सारे लोग जो है परेशान हैं, कितनी सारी फीमेल्स परेशान हैं, कितने सारे मेल्स जो बेचारे मायूस हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सरदार अली शाह साहब ने जो है 40% पे कहा था कि गर्ल्स को पास करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है रात ही रात मतलब अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, काफ़ी जो है फीमेल्स को मायूस कर दिया है। मतलब जो हमारी बहनें हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुकी हैं, हिम्मत जो है हार गई हैं। लेकिन कुछ बहनें जो हमारी ऐसी हैं और कुछ मतलब भाई हैं हमारे जो माशाल्लाह से हमारे साथ मिलकर जो है आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप जो है इंशाल्लाह एंड तक आवाज़ उठाएंगे। और लाजमी जो है वीडियो के लिंक को आप कॉपी करें, जब वीडियो सामने आए आपके तो उसमें 3 डॉट होते हैं, नीचे 3 डॉट पर क्लिक करें, शेयर पर क्लिक करके वहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है तो वो लिंक को कॉपी करें। लिंक कॉपी करने के बाद अपने व्हाट्सएप
ग्रुप्स में जहाँ से आपने मतलब स्टडी की है जीएसटी पीएसटी के हवाले से, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन्स मिलती हैं, वहाँ पर जो इस लिंक को पोस्ट करें और जो है उसके नीचे बकायदा ये भी लिखें कि हमारा साथ दें, मिलकर प्रोटेस्ट करें और चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि जो है आने वाली वीडियोज़ मतलब जो है आप तक पहुँच जाए लाजमी ना। तो ये जो है आप करें लाजमी, और इसके लिए जो है तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, मतलब सिर्फ ज़्यादा कमेंट नहीं है, सिर्फ एक से दो कमेंट हैं या तीन कमेंट होंगे शायद, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, तो वो आप लोगों को देखने भी हैं और सुनने भी हैं। मतलब मुझे वो कमेंट्स बड़े अच्छे लगे और मखसूस कमेंट्स थे जो वो मतलब यहाँ पर कह रहे हैं और क्या बातें सिंध गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो है बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह। और जो 33% पर एक कमेंट ऐसा भी आया था हमारे पास कि जो है उन्होंने कहा कि जो फेल हैं उनको जो है पास कर दिया जाता है और जो पास हैं उनको फेल कर दिया जाता है। मतलब उन्होंने इस बात पर कहा कि जो 33% पर मतलब गवर्नमेंट पास कर रही है जिनको, बोला वो तो वैसे ही फेल हैं, और 40% और 50% पर जो है गर्ल्स को क्यों किया है जो पास हैं, मतलब 33% की पॉलिसी क्यों करी है आप लोगों ने। मतलब इस तरह के जो है काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे मिलकर इंशाल्लाह। देखें जब एक पूरा ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है, पूरी आवाम साथ होती है, तो इंशाल्लाह मिलकर जो है एक समझ लें कि भरपूर एहतजाज होगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियोस जो है इंशाल्लाह आगे गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह हम एक आवाज़ बनकर जो है इंशाल्लाह इस पॉलिसी को जो है इंशाल्लाह हम ही ख़त्म करवाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा ताकि जो है आने वाली मतलब जो पॉलिसी है, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हमारी वीडियो आगे तक पहुँचेगी और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से कि जो है वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि जो है हर वीडियो आपको मिले। और यहाँ पर जो है अभी हम आपको मैं कमेंट शो कराने लगा हूँ, तो वो सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हैं यहाँ पर जो है स्क्रीन पर हैं आयत अली, ये जो है कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, फाइनल डिसीजन हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो है ये बात कह रहे हैं कि फ़ाइनल डिसीजन हो चुका है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ आयत अली के, फ़ाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, अभी तजवीज़ दी गई है और अभी फ़ाइनल फैसला नहीं हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फ़ाइनल फैसला होगा तो सिर्फ 40% पॉलिसी पर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी हमारे साथ इंशाल्लाह मिलकर आवाज़ उठाएं, इंशाल्लाह जो है 40% पर ही जो है फ़ाइनल फैसला होगा। अभी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ। नेक्स्ट हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कौसर अब्बासी, इन्होंने हमें कमेंट किया है और ये कह रही हैं कि थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हो स्पेशली गर्ल्स के लिए और हम इंशाल्लाह अपना हक ज़रूर लेंगे। जी इंशाल्लाह जो है कौसर आपको इंशाल्लाह हक जो है मिलेगा आपका, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जो है इसको पॉलिसी को 40% करवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ। यहाँ पर है नेक्स्ट स्क्रीन पर मोहम्मद असलम, ये कह रहे हैं कि सर मैंने हर चैनल पर यह मैसेज किया है पर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, प्लीज़ सर आवाज़ उठाएं, गर्ल्स को 40 पे पास करें, प्लीज़ सर प्लीज़ रिप्लाई मी। तो इन्हों को जो है हमने रिप्लाई दिया है, जी इंशाल्लाह हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे और असलम जो है आप बेफिक्र हो जाएं इंशाल्लाह, हम जो है आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाजमी जो है शेयर भी करिएगा और इंशाल्लाह हम जो है अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्रीन पर मोहम्मद खालिद, ये कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं और सर मिनोरिटी और फीमेल को लास्ट टाइम भी गर्ल्स को मार्क्स दिए, मेल का क्या कसूर है। जी बिल्कुल जो है खालिद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह। मतलब आप लोगों जब भाइयों का ये प्यार मिलता है कि हम आपके साथ हैं, तो हमारा और दिल करता है कि हम जो है आप लोगों के साथ मिलकर जो है प्रोटेस्ट करें, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेल का कोई कसूर नहीं है इंशाल्लाह, मेल को भी उसका हक मिलेगा इंशाल्लाह, ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट सब्सक्राइबर की तरफ कि आखिरी हमारा कमेंट होगा यहाँ पर आपके पास, ये हम शो करेंगे कमेंट, उसके बाद जो है हम आपको वीडियो में अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। तो अभी नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं हमारे, और जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये जिनी हन्ना के नाम से जो है इनका शायद नाम है यहाँ पर, तो कह रही कि मैम प्लीज़, मैं मैम नहीं हूँ सॉरी बॉय हूँ, मैम प्लीज़ सिर्फ औरत के लिए आवाज़ उठाएं प्लीज़, मेरे सिस के 49 मार्क्स हैं, उसकी एज 44 लास्ट चांस है, एमएड बीएड किया हुआ है, एक मार्क्स से रह जाए प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाएं प्लीज़, जिनके लास्ट चांस है एटलीस्ट उनके लिए बोलें प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़, अल्लाह के वास्ते
आवाज़ उठाएं प्लीज़, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, मालिक अल्लाह मालिक है, हमें जॉब देंगे, आमीन सुमा आमीन, पर आवाज़ उठाओ प्लीज़, रेज योर वॉइस। जी बिल्कुल, हम जो है आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह एंड तक आवाज़ उठाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाअल्लाह आपको आपका हक हम इंशाअल्लाह दिलवा कर ही रहेंगे और हमें पूरी उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह सब कुछ जो है अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा और बहुत बेहतर होगा। तो अभी जो है हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे और मैं आप लोग को लास्ट में दोबारा कह दूँ कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है हर वीडियो आपको जो है मिले सबसे पहले, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और जो है मतलब PSTJST के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसमें भी हमारे लिंक को शेयर करिएगा और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और इस पर कमेंट्स भी ज्यादा करिएगा। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।